जैसे कि हमारे टीम के बाकी मेंबर से आप सुन चुके हैं कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो सकता है, पूरा एक टूरिज्म चेंज कर सकता है। आज की डेट में जो मध्य प्रदेश में जो गुफाएं हैं जहाँ पे आदि मानवों का काफ़ी कुछ अवशेष है, उधर का पूरा टूरिज्म चेंज हो गया है अभी अभी की डेट में। बहुत बड़ा एक पॉजिटिवली एक चेंज आया है टूरिज्म में। तो इसी तरह से अल्मोड़ा के जो लक्खी उडियार है वो पूरी वर्ल्ड में फेमस है। तो इसी तरह से उत्तरकाशी का, लेकिन वो पहले नंबर पे है, उत्तराखंड का जो लक्खी उडियार है वो पहले नंबर पे है, क्योंकि वहाँ पे पहली बार रॉक पेंटिंग्स 1965 में पाई गई थी। सबसे पहले नाम तो ऐसे उत्तराखंड के प्रागति प्री हिस्टोरिकल जो स्टोन एज का जो हिस्ट्री है उसके सबूत सबसे पहले तो देवीदुरा में आए हैं, जैसे कि मैं पहले बता रहा था। लेकिन सिर्फ वो मिला था इस तरह का, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रॉक बेसिन। अबे क्यों बनाते थे लोग उस समय के लोग, क्या इसका यूज़ करते थे, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे आपको रॉक बेसिन भी मिल रहा है, पेंटिंग भी मिल रहे हैं साथ में। तो इस तरह से ये इतना इम्पोर्टेंट एक स्पॉट साबित हो सकता है कि एक और चीज़ है, ये पानी का स्रोत, हाँ ये भी है कुछ है। दैट्स वाई मैंने पूछा जैसे कि ये परमानेंट है। अरे तो जोर देना, क्योंकि तो यहाँ पे एक थोड़ा सा पानी का एक स्रोत भी, ये सीजनल है, तो हम इसको शायद पता नहीं उस समय हम परमानेंट था पानी क्या था, हो सकता है उस समय परमानेंट पानी हो, अभी तो भौगोलिक ग्लोबल वार्म जो चेंजेज आए हैं उसकी वजह से पानी के स्रोत सब सूख चुके हैं। हो सकता है आज से 10-11 हज़ार साल पहले ये परमानेंट स्रोत हो और उन लोगों के लिए सुविधा हो कि यहीं पर पानी भी है, यहीं पे उनका सुरक्षा घर भी है, तो इसीलिए वो लंबे समय तक शायद यहाँ पे रहते हों और सिर्फ शिकार करने के लिए उतरते होंगे जंगल में, फिर वापस टाइम से ऊपर आ जाते होंगे। तो शायद ये इसीलिए काफ़ी अच्छा उनके लिए साबित होता होगा एक हैबिटेट। बाकी टूरिज़्म अगर डिपार्टमेंट इसमें थोड़ा सहयोग करता है तो यहाँ पे एक ऐसा स्पॉट डेवलप हो सकता है एडवेंचर एक्टिविटी का, कि इसको हम एक क्लाइंबिंग स्पॉट, इसके इन जगहों को ना छेड़ते हुए बाकी आजू बाजू में इसमें क्लाइंबिंग ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं और यहाँ पे टूरिस्ट आकर के एक्टिविटी करेगा। एक काफ़ी अच्छा एक डेस्टिनेशन जो कि नई तरह के क्राउड को यहाँ पर खींचने में मदद कर सकता है, ये जरूर हो सकता है। चलो बाकी तो एडिट करते समझ जाएंगे।